मानवीय जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बेहद महत्वपूर्ण है। यूं तो इससे जुड़े बहुत से किस्से हमें देखने सुनने को मिलते हैं, पर देशभक्ति और देश सेवा को समर्पित दृढ़ इच्छा शक्ति की महक काफी निराली और बेहद महत्वपूर्ण होती है। देश सेवा से ही जुड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के किरदार है आज की हमारी कहानी के रियल हीरो सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त जवान संजीव कोसे। सीआरपीएफ में कार्यरत जवान संजीव कोसे ने देश भर के बहुतांश जिलों में अपनी सेवा प्रदान की। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी संजय कोसे इनकी देश सेवा करने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। अपने जीवन के अंतिम समय तक संजय कोसे अपने देश की सेवा को समर्पित रहने की इच्छा शक्ति रखते थे। उनके समक्ष यह सवाल था कि किस तरह वे अपनी इस इच्छा शक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने मन की बात सुनते हुए देश की सेवा में तैनात उन्हीं की भांति जवान तैयार करने का फैसला ले लिया। बस फिर क्या था, सबसे पहले महज एक युवा के प्रशिक्षण से शुरू हुआ। उनका सफर आज करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। उनकी यह अदम्य इच्छा शक्ति है कि वे ज्यादा से ज्यादा जवान तैयार कर उन्हें देश सेवा के लिए सेना में भेज सके, मगर इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। ऐसी बात सामने आई है। फिलहाल वे जिले के ग्रामीण क्षेत्र शिरसगांव कस्बा में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। वे शिरसगांव के निवासी है। युवाओं को शारीरिक शिक्षा सहित पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वे गाइडेंस कर रहे हैं। अपने 20 साल देश की सेना में अपनी सेवा देकर देश सेवा करने वाले इन सेवानिवृत्त जवान की इच्छा शक्ति है कि गांव का हर जवान देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो, जिसके लिए फिलहाल वे अपने दम पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कम उम्र में जीवन को भ्रमित करने वाले शोक से दूर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सहित अन्य कई किस्म के प्रेरणादायी विषयों पर उनका मार्गदर्शन कई युवाओं के लिए प्रेरणादायी साबित हो रहा है। सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्समध्ये 22 वर्ष सर्व्हिस करून मी इथे रिटायरमेंटवर VRS घेऊन आलेलो आहे। मला असं वाटलं की गावासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। जसं मी एक गरीब घरून आपला परिवार सांभाळला बाहेर जाऊन, तसे गावातल्या मुलांनाही गरीब घरच्या मुलांनीही आपला परिवार सांभाळावा आणि बाहेर निघावं, कारण एज्युकेशनची लेवल म्हटली तर गाव देहातमध्ये फार कमी आहे। 12वी आणि 10वी मोठ्या मुश्किलनं मुलं पास होतात आणि एक 12वी आणि 10वीच्या भरोशावर जे सर्व्हिस म्हणून आहे ते फक्त बेल्टदारी आहे, त्याच्याशिवाय दुसरं काही यांना म्हणजे माहिती नसते। तुम्ही हे सुरुवात केलेली आहे, गावकऱ्यांनीसुद्धा मला याचा थोडा सपोर्ट करावा, त्यांचे मुलं मुली ज्या काही आहे त्यांनी इथं पाठवावं। फ्री ऑफ कॉस्ट हा माझा उपक्रम आहे आणि यांना वाचाची म्हणजे ज्या स्पर्धा परीक्षा वगैरे ज्या काही होऊन राहिल्या त्यांची यांना सवय लागली पाहिजे। हा उपक्रम गावामध्ये चालवला पाहिजे। दुसरं, गावचे जे लीडर लोक आहे त्यांनी हा उपक्रम सुरळीतरित्या चांगल्या प्रकारे पडावा, यासाठी विशेष आमची जे रिक्वायरमेंट आहे जागा आणि ग्राउंड याच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं, हीच माझी विनंती आहे। धन्यवाद। जयकुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।